नमस्कार जी आर सी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन के अंतर्गत पुनः एक लॉजिकल प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में कौन अधिक क्षारीय होगा और क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम संरचना सूत्र के माध्यम से जाने। तो एमीन का क्षारीय गुण, आइए हम संरचना सूत्र के माध्यम से जाने। तो एमीन का क्षारीय गुण नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होता है, जिसकी वजह से आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। एल्किल मूलक, ये इस प्रकार से एल्किल मूलक के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव की वजह से नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ जाती है और यह आसानी से या अपेक्षाकृत शीघ्रता से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। जैसे जैसे एल्किल मूलक की संख्या बढ़ती है, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ती है। किंतु प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि द्वितीयक एमीन की तुलना में तृतीयक एमीन कम क्षारीय होता है, क्योंकि एल्किल मूलक के बाधा प्रभाव के कारण तृतीयक एमीन प्रोटॉन ग्रहण नहीं कर पाता। अर्थात द्वितीयक एमीन अधिक क्षारीय होगा तृतीयक एमीन की तुलना में। तो इनकी क्षारकता के क्रम को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, द्वितीयक एमीन अधिक क्षारीय होगा, उससे कम क्षारीय प्राथमिक एमीन और उससे कम क्षारीय तृतीयक एमीन एवं अमोनिया सबसे कम क्षारीय। तो आइए इस प्रश्न को हम पुनः संक्षिप्त में जाने। तो एमीन का क्षारीय गुण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। एल्किल मूलक के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ जाती है। ये इस प्रकार से एल्किल मूलक की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे यह प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। एल्किल मूलक की संख्या बढ़ने पर एमीन का क्षारीय गुण बढ़ता है। इस प्रकार से एल्किल मूलक की संख्या बढ़ने से एमीन का क्षारीय गुण बढ़ता है, किंतु प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि एल्किल मूलक के बाधा प्रभाव अर्थात द्वितीयक एमीन की तुलना में यदि तृतीयक एमीन को देखें तो एल्किल मूलक के बाधा प्रभाव के कारण एमीन प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अतः इनकी क्षारकता का जो क्रम होगा, घटता हुआ क्रम इस प्रकार से है, द्वितीयक एमीन अधिक क्षारीय, प्राथमिक एमीन उससे कम क्षारीय एवं तृतीयक एमीन द्वितीयक एमीन की तुलना में प्राथमिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय एवं अमोनिया सबसे कम क्षारीय। तो इस प्रश्न को हमने संरचना सूत्र के माध्यम से जाना। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। थैंक यू।